सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में कि आपको जो है कॉलेजेस कैसे चूज़ करने हैं, कैसे मैंने चूज़ करें, क्योंकि कनाडा में यार इतने सारे कॉलेजेस हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी इतनी मोटी करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई कैसे करें, क्योंकि भाई लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न एक तरीके से होता है। तो उसी चीज़ को मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे डिसाइड करा और आप कैसे डिसाइड कर सकते। तो अभी थोड़ी सी बारिश हुई, अब बारिश ख़त्म हो गई तो आती है जाती है, ऐसा चलता थोड़ा बहुत इधर। तो अब कहाँ थे अभी, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ना किस किस कॉलेजेस के ऑफर लेटर थे। और जैसे लैम्पटन का था मेरे पास, सेंट क्लेयर का था, जॉर्ज ब्राउन का भी था और हम्बर्ग का भी था, एल्गोनक्यू का भी था। मैंने काफ़ी कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया था, इतने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या सीन है, अब भाई ये कॉलेजेस में मैंने अप्लाई कैसे किया, कुछ कंसल्टेंसीज की हेल्प से मैंने कॉलेजेस को लिया, चूज़ किया और खुद मैंने खुद की रिसर्च करी। और मैंने खुद कैसे रिसर्च किया इसकी मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी है, मैं उनका लिंक ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड यार खुद की भी रिसर्च ज़रूर थोड़ी कर लेना, क्योंकि जो कंसल्टेंसीज होते हैं ना वो आपको सारे कॉलेजेस नहीं बताते हैं, क्योंकि सारे ही कॉलेज उनकी पार्टनरशिप में नहीं होते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू सम ऑफ योर ओन रिसर्च। अब बात करते हैं कि मैंने जो कॉलेजेस में अप्लाई कैसे किया, उनको चूज़ कैसे किया आफ्टरवर्ड्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने काफ़ी समझा बुझा फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा प्रोसेस। कि पहली मेरी जो प्रायोरिटी थी वो था प्रोग्राम, कि मुझे भाई प्रोग्राम कौन सा चाहिए। तो सबसे पहले मैंने वो आइडेंटिफाई किया और वो था डेटा एनालिटिक्स। तो मैंने उसी बेसिस पे कॉलेजेस में अप्लाई किया कि भाई मुझे डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स के रिलेटेड ही कोई भी प्रोग्राम चाहिए। और ऑब्वियसली यार मतलब आपकी बैकग्राउंड से भी रिलेटेड होना चाहिए वो प्रोग्राम। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल, पहले मैं एनवायरनमेंट भी सोच रहा था मतलब होता है ना कभी कभी, बट मैंने जब यहाँ पे जॉब्स देखी कि भाई किस चीज़ में फील्ड में जॉब्स ज़्यादा हैं, किस से मेरा बैकग्राउंड रिलेशन ज़्यादा हो रहा है ताकि मेरा वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो फिर वो मुझे जो फील्ड मिली वो मिली डेटा एनालिटिक्स। एंड यार ऑब्वियसली अपना मन भी देख लेना कि किस फील्ड में आपको जाना है और किस फील्ड में आपको आगे फ्यूचर में काम करने का मन है। तो अब सेकंड जो मेरी प्रायोरिटी आई वो आई प्रोग्राम लेंथ की, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे 2 साल का प्रोग्राम चाहिए ताकि मुझे 3 साल का वर्क परमिट ईजिली मिल जाए। वरना लोग ये भी करते हैं कि 1+1 प्रोग्राम लेते हैं, कि पहले एक साल का प्रोग्राम लेते हैं फिर एक और साइमेंटेनियसली उसके ही बाद 1 साल का प्रोग्राम ले लेते हैं, तो उनको भी 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता। अब अपनी अगली प्रायोरिटी थी फीस, भाई फीस कौन सा कॉलेज है इनमें से जो ये कोर्स दे रहा है और जिसकी फीस भी कम है, मेरे लिए तो एटलीस्ट ज़रूरी थी ये प्रायोरिटी। फिर अपने अगले रीज़न पर आते हैं कि भाई वो था पार्ट टाइम जॉब्स, कि मतलब जिस सिटी में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स है भी या नहीं, क्योंकि पंगा तो सारा यही था कि जो सेकेंड ईयर की फ़ीस है वो खुद से ही भरनी है, तो वो भरी तब जाएगी जब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स होगी। तो फिर फाइनली इन्हीं सब बेसिस पे मैंने अपना कॉलेज चूज़ करा, लैम्पटन मिसिसागा। तो इसमें जो है भाई कोर्स मिल गया मेरे को डेटा एनालिटिक्स, पहली चीज़ फ़ीस भी कम है और होपफुली जो है लास्ट सेम की फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, चूँकि कोऑप भी है तो वो फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन भी बढ़िया है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं, और इवन अगर मैं आईटी की बात करूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि टोरंटो है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट किया, बट मेरी टाइमिंग, मेरी कंडीशन, मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो अब वो आप अपने हिसाब से देखो कि भाई आपकी कंडीशन क्या है, आपकी अवेलेबिलिटी, आपका टाइम क्या है, आप कितना वेट कर सकते हो दूसरे कॉलेज का ऑफर लेटर आने के लिए। तो उन सारी चीज़ों पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे, अगर हेल्प करेगी तो अगर मतलब किसी भी टाइप से ये हेल्प करे तो प्लीज़ यार वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरीके की वीडियो हर हफ्ते कोशिश करता हूँ डालूँ, कभी कभी होता है कि नहीं डालूँ। इस हफ्ते मैंने टाइमली नहीं डाली क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम, अब फाइनली मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। So thank you so much for watching, keep sharing, keep loving and keep supporting. Thank you.